राणा सनाउला की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एएनएफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत का फैसला कल अदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। राणा सनाउल्ला की जमानत के खिलाफ दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमानत मंसूखी के लिए दायर दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हकायक और कानून के खिलाफ राणा सनाउल्ला को जमानत दी। एएनएफ के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल पर असर अंदाज होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला अदलिया के तयशुदा उसूलों से मुतसादिम है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ 20 ग्राम हेरोइन का नमूना लेबोरेटरी भिजवाया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक 20 ग्राम का मतलब मजीद तहकीकात की जरूरत है। हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया कि 15 किलो हेरोइन एक ही बैग से मिली थी। एएनएफ ने दरखास्त में कहा है कि हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया कि राणा सनाउल्ला बाअसर शख्स हैं। राणा सनाउल्ला जेल में रहकर भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते रहे। राणा सनाउल्ला जमानत मिलने के बाद ट्रायल पर असर अंदाज होंगे। एएनएफ ने सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देने और राणा सनाउल्ला की गिरफ्तारी की इजाजत देने की भी इस्तदा कर दी। याद रहे कि गुज़श्ता माह 26 दिसंबर को मनशियात बरामदगी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की जमानत का तहरीरी फैसला जारी किया था, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था।